Hello friends, welcome to Tutelage Academy. Today in this session we will discuss about NTA UGC NET. इसमें मैं complete information आप लोगों से share करूँगी जैसे eligibility criteria, exam pattern and choice of subject. UGC साल में दो बार NET exam conduct कराती है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में. तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में detail में जानते हैं. This is brief introduction about me. I am Sangeeta, NET qualified in Labour Welfare Paper Code 55, cleared various PSU exams, SSC and IBPS exams. I am MBA from Nagpur University, specialized in HR and Finance, and completed my LLB from Faculty of Law, Delhi University. अब हम NET exam के बारे में जानते हैं. अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे. तो एलिजिबिलिटी नेट एग्ज़ाम की क्या है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपीयर हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन है मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री आपका रहना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम है आपका, जैसे PGDM होता है और भी कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, बट उसका परसेंटेज एटलीस्ट आपका 55% होना चाहिए. और कंप्लीट के साथ साथ अगर आप परस्यू कर रहे हैं, परस्यू मीन्स फर्स्ट ईयर में है तो भी, फाइनल ईयर में है तब भी, और या फिर आप एग्ज़ाम दे के आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप वेट कर रहे हैं, तब भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं. बट नेट के एग्ज़ाम्स कंप्लीट मीन्स रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. इसके बाद आप अगर कुछ जैसे नेट के बेसिस पे होता है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जाइए या JRF के थ्रू PhD परस्यू करने के लिए एडमिशन लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब भी वो वैलिड माना जाएगा. ठीक है, अब एज लिमिट देखिए, JRF के लिए क्या है, 30 ईयर्स है मैक्सिमम अपर एज लिमिट है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स, OBC, SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स क्या है, 35 ईयर्स, मीन्स 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है टू ऑल दिस इंक्लूडिंग वुमेन एप्लीकेंट्स. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है नो अपर एज लिमिट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है. ठीक है, तो JRF के लिए 30 ईयर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट. तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप नेट एग्ज़ाम क्यों देते हैं, आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपको ऑप्शन देता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फिल कर रहे हैं, JRF के लिए भर रहे हैं या दोनों के लिए. तो अब जब रिज़ल्ट आ जाता है तो वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आप क्या क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF. चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कैसे करेंगे, इस पर बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि हमारा अगर मार्केटिंग है तो हम लेबर कोड दे सकते हैं क्या. जैसे मैं बताती हूँ, फॉर एन एग्जांपल मेरा MBA इन HR है तो मैं कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकती हूँ. तो एक मेरे लिए सब्जेक्ट कोड 55 है और एक है 17, डैट इज़ मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर एंड मैनेजमेंट. तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं और आप नेट में अपीयर हो सकते हैं. अगर आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इनके लिस्ट में नहीं है, UGC नेट के नेट ने 81 सब्जेक्ट की लिस्ट निकाली है, ठीक है, ये आपको साइट पे मिल जाएगा या फिर एडवर्टाइजमेंट में अनेक्शर भी होता है तो उसमें आपको दिख जाएगा 81 सब्जेक्ट लिस्ट. ठीक है, तो अगर 81 में आपका अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं. इफ़ पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन सब्जेक्ट लिस्ट तो यू कैन अपीयर इन रिलेटेड सब्जेक्ट. तो मैंने बताया कि मेरा जैसे MBA इन HR एंड फिनेंस है तो अगर मैं HR मेरा स्पेशलाइजेशन है तो मैं या तो लेबर वेलफेयर से अपीयर हो सकती हूँ या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट 17. अब सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है फिनेंस, अगर मेरा फिनेंस है बट फिनेंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है इनके लिस्ट में तो मेरे लिए क्या सब्जेक्ट सूट करता है, 17 मैनेजमेंट. फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने MBA मार्केटिंग से की है तो मार्केटिंग कोई सब्जेक्ट इनके लिस्ट में नहीं है तो दे कैन अपीयर इन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सारा कुछ आप सब्जेक्ट ऐसे रिलेट कर सकते हैं, राइट. तो फ्रेंड्स
यूजीसी नेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो वो आपको फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपका वो सिलेक्शन होगा एंड आप उसमें जॉब ले सकते हैं। और अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो जीआरएफ के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। अब देखिए नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे बट अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टू पेपर्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले क्या होते थे, पहले तीन तीन पेपर्स होते थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव बहुत पहले था बट उसके बाद तीन पेपर होते थे एंड ऑब्जेक्टिव होते थे। अब पैटर्न चेंज होने के बाद दो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन मोड में। अब ये दो पेपर क्या क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे देखिए पेपर वन है एंड पेपर टू है, तो पेपर वन में देखेंगे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50 मार्क्स इसका होता है, 100 मीन्स एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, राइट। इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या क्या रहते हैं उसमें, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्प्रीहेंशंस रहेगा, DI रहेगा, इस पे 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन पे, DI के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जनरली 5 एंड जनरल अवेयरनेस मींस जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, हायर स्टडीज, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। पेपर टू में देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, 100 होते हैं, मार्क्स होता है 200, मतलब एक क्वेश्चंस होता है 2 मार्क्स का, ठीक है, सेम पेपर वन की तरह ही मार्किंग होती है। अब इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है बट ये आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट नेट के लिए उससे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं 100 क्वेश्चंस। अब देखिए टाइम की बात करें तो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों मिला के क्या है, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है, मींस 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर्स मिलता है विदाउट एनी ब्रेक, तो कंटिन्यू 3 आवर्स के क्वेश्चंस, 3 आवर्स का एग्ज़ाम आपका होगा दोनों पेपर का, पेपर वन एंड पेपर टू। तो CBT जैसे नॉर्मल दूसरे एग्जाम्स भी जो ऑनलाइन होते सेम वही पैटर्न में होता है, आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं, जो सेक्शन आपको पहले सॉल्व करना वो आप कर सकते हैं, इधर पेपर वन और पेपर टू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पहले पेपर वन करना है पेपर टू, ऐसा नहीं है, तो टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो पैटर्न अभी ये चेंज हुआ है, नहीं तो पहले तो ऐसे होता था कि पूरा फुल डे का एग्ज़ाम होता था, 3 पेपर होते थे उसमें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो क्या नेगेटिव मार्किंग उस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो बेफिक्र आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप श्योर नहीं है तब भी आप उसमें गेस करके भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि जून और दिसंबर में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं एक साल में, ठीक है, तो जून का तो हो गया, अब दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि इस बार मैं कंप्लीट पेपर टू, जैसे मेरा MBA HR है तो मैं लेबर वेलफेयर जो पेपर कोड 55 है उसके लिए मेरा कोशिश है कि मैं पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ। और मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ बट टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं नहीं दे पाई हूँ, बट इस टाइम मैंने पूरी कोशिश की है कुछ तो मतलब प्रोसेस में है, और पेपर वन के भी कुछ टॉपिक्स मैं बना रही हूँ जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो इस चैनल से बने रहने के लिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उन्हें तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट जिन्होंने नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे MCQs जो कि नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारा कुछ उसमें कवर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी नेट रिलेटेड आपको डाउट हो क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।